मेरा नाम अमर सिंह नेहरा, मैं 1983 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। वहाँ से सुबेदार मेजर के पद पर मैं शोलो कुमाऊं से अभी रिटायर होके अपना होटल का। अपने लाइफ में जो आपने कुछ जो अचीवमेंट्स करी हैं उसको लेकर कुछ बताएं। मैंने अपने या पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसा नहीं छोड़ी जो कि इस कुमाऊं रेजिमेंट या शोलो कुमाऊं की तरफ से। मैं हर जगह घुमा। श्रीलंका में हमने वार ऑपरेशन किया, जिस दौरान हम 36 घंटे तक पानी के अंदर बंद रहे। वहाँ पर सिविल जनता ने के जो एलटीटी हुआ करते थे, ज़्यादातर लेडीज़ें, और जिनके ऊपर हमें किसी कहीं हद तक बिल्कुल कोई आशंका नहीं थी कि ये उग्रवाद होंगे, बट कि हर घर में, हर जगह पर, हर कदम में उग्रवाद, हर घर का एक बंदा उग्रवाद। तो कैसे भी हमने वहाँ पर सामना करी, उसमें से हमारे लगभग 27 हमारे बीच में से शहीद हुए, और हमने कैसे भी वहाँ पर जीत के 19 महीने वहाँ पर संघर्ष लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम वापस आए। उसके बाद भूटान में मैंने भूटान आर्मी वालों को भी अपनी जो निजी ट्रेनिंग होती है वो निजी ट्रेनिंग से ली। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ में पुलिस निरीक्षण पुलिस अधिकारी एसएसपी साहब को भी मैंने अपनी तरफ से ट्रेनिंग दी। मैंने भीलगांव के अंदर जो है जो भी कोर्सेज किए, मैंने अपने कोर्स के दौरान अच्छे अच्छे रिजल्ट हासिल किए थे। सेना ने मुझे अच्छा रिजल्ट के साथ मेरे को जो है प्रतिभा पाटिल प्रधानमंत्री की तरफ से भी अवार्ड मिला। उसके बाद हमारे सेना थल अध्यक्ष की तरफ से भी एक अवार्ड मिला है। मैं पर्यावरण पिथौरागढ़ में रहा 101 TMA, तो वहाँ से भी मेरे को एक अच्छा सा पुरस्कार मिला है। आज मैं अपने इस भरपूर जवानी, ये समझे कि मेरी 55 उम्र हो गई है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारतीय सेना में जिस तरीके से नए नए हथियारों की खरीद हो रही है और जिस तरीके से आर्मी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, उसे लेकर मतलब आपकी क्या राय है? और दूसरा ये मैं पूछना चाहूँगा कि पहले के हथियारों के मुकाबले अब जो हथियार हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब अब पहले में क्या दिक्कत थी और अब हम उसको कैसे चेंज कर रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो को लेकर? अभी थोड़ा सा हथियार या परमाणु इन चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो अभी बने हैं वो भी सही है, जो पहले थे वो भी सही है। दिक्कत अभी हमारे बीच में के जो लोग पढ़े लिखे लोग अभी सेना में जा रहे हैं, दिक्कत उन आदमियों में हो चुकी है, दिक्कत उस फौज में हुई है जहाँ पर पूरी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। आज आदमी कहता है कि जो है 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, तो 5 साल में तो वो हमें ये पता नहीं लगता है हमने करना क्या है, हमने हथियार को कैसे चलाना है, कैसे खोलना है, क्या लड़ाई लड़नी है, हमने कौन सी जगह इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कहाँ से हमको अटैक करना है, कहाँ नहीं करना है, हमें 5 साल में वही पता नहीं लगेगा। तो उस 5 साल का हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या है होने वाला है। सर ये जो अग्निवीर है, क्या वो आप अग्निवीर को ही लेकर ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल अग्निवीर को लेकर हम ये बात कर रहे हैं। अग्निवीर जो करा रहे हैं शायद सोच समझ के पढ़े लिखे लोग करा रहे हैं, बट हमने जो देखा, जो हमने देख पहुँच के अंदर, 5 साल में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। मतलब कोई भी 5 साल में आगे की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी जवान तैयार नहीं हो सकता है, ये हमारा अनुभव है। लेकिन सरकार की जो योजना है वो कहीं ना कहीं इस तरफ है कि सेना को मॉडर्न बनाया जाए, हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, बजाय कि सेना में जो उसके बाद जो पेंशन की प्रक्रिया होती है वो दिक्कत करती है, तो वो एक कारण बनता है। तो इसीलिए शायद अग्निवीर जो योजना है उस पर सरकार ने फोकस किया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए था सरकार को? सरकार ने फोकस जो किया होगा सोच समझ के ठीक किया होगा, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, बट इतना हमारा जरूर है कि ये कहीं किसी भी हद तक सक्सेस नहीं है किसी भी कहीं पर भी। आज जो है अगर 10 आदमी एक जैसे जहाँ पर एक दूसरे को मतलब एक 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 की काटना करता है, एक एक को सिखाने की कोशिश करता है, सारे लीडर बन जाते हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं होता है। काम सिर्फ लीडर एक हो और जनता 1000 हो तो तब काम होता है। अभी ऐसा समय आने वाला है अग्निवीर से कि सारे गाइडलाइन देने वाले सारे कमांडर होंगे और करने वाला हम होंगे, हमें इससे ये शिक्षा मिली। और बाकी जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था कि जिस तरीके से भारत सरकार हथियारों पर खर्चा कर रही है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या रशियन मेड वेपन्स सबसे बेहतर हैं या फिर अमेरिका से जो लोग हम हथियार खरीदें, क्योंकि आप एज अ आर्मी सोल्जर रह चुके हो और वहाँ पर आपने अपनी सेवाएं दी और आपने कई हथियार भी देखे होंगे अपने टाइम पर और इस्तेमाल भी किए होंगे,
तो रशियन मेड वेपनरी इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन अब भारत का झुकाव जो है वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ जा रहा है। तो क्या ये हमारे लिए क्या गेम चेंजर होगा, या फिर रशिया का पाला हम छोड़ रहे हैं, या वो हमारे लिए एक दिक्कत करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम इस चीज़ को नहीं मान सकते हैं। देखो, रशिया के हथियार जो हैं वो अलग चीज़ है। अलग चीज़ का मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब उसको हम रेंज दे के वहाँ लेआउट करते हैं, वहाँ से वहाँ फायर करते हैं, एक्यूरेट फायर का निशान मिलता है, नहीं हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हथियार जो अभी हमारे पास हैं या जो हमारे पहले से चले आए हैं वो सबसे बेहतर हथियार हैं, और दिन प्रतिदिन जो हथियारों में तब्दीली हो रही है वो सक्सेस नहीं है। क्यों ऐसा आपने कहा? क्योंकि हम अब अमेरिका की तरफ झुकाव हमारा बढ़ चुका है, हम वहाँ से हथियार खरीद रहे हैं, रशिया पर निर्भरता को कम करें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है कि क्या यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, जो भारत सरकार की पहले के हथियार देश में बनने चाहिए, मेड इन इंडिया वेपन्स बनने चाहिए, उसको लेकर क्या ये एक तरीका हो सकता है कि रिलायबिलिटी हमारी कम हो सके दोनों देशों पर? नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि हम अब एशिया से हथियार खरीदें, दूसरे से हथियार खरीदें, इसका मतलब जो है हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसी चीज़ें हैं, आज अगर हम नहीं भी खरीदें या नहीं भी करें, कंटेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, या मतलब इस चीज़ के बीच में हमें इतनी ज्ञान नहीं है। जो हमारे देश में हथियार हैं, इन्हीं हथियारों में अच्छे बढ़ावा दो, इन्हीं का ऑमनेशन सुचारू रूप से रहे, यही गाड़ियाँ चले, यही चले, ये बहुत बेहतर है। और जो ये आधुनिक हथियार आ रहे हैं कि यहाँ रेंज लगा के दूसरी जगह उसको ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये मतलब इतना सक्सेस नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन अब LAC को लेकर पूछना चाहूँगा, जहाँ पर चाइना के साथ हमारा लगातार विवाद चल रहा है और काफ़ी टाइम हो गया चाइना को, वो इस वक्त मतलब पीछे नहीं हट रहा है और एक प्रेशर में डाल रखा है, और अभी भी सेना दोनों तरफ से 50,000 सैनिक तैनात कर रखे, खासकर के अरुणाचल प्रदेश में और आपका पूर्वी लद्दाख से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। तो यहाँ पर चाइना की रणनीति क्या है? नहीं देखो, एक्चुअली हम तो अरुणाचल में बिल्कुल चाइना बॉर्डर हमारे से जस्ट 2 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर था, और जो है बिल्कुल हम उनसे आमने सामने मिलते थे, पानी हमारा एक था। उसमें क्या है, चाइना की पॉलिसी इस प्रकार से है कि वो हमें जो है कभी भी जीने नहीं देगा, चाहे हम उनसे कितने दोस्त हैं, ये ज़रूर है, बिल्कुल हमने देखा है उनको, वो है मुँह से मीठे चल के, और जो है हमारे सरहद में कब्जा करना चाहते हैं और हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, ये 100% है बिल्कुल। अब किसी वजह से मतलब ठीक है, हमारा देश भी चुप रह रहा है या वो कर रहा, वो उसका नाजायज फायदा ही उठा रहा, वो सोच रहा है कि मतलब जो है डर रहे हैं, और डर वाली बात नहीं है, लेकिन उनको तो मुंह तोड़ के जवाब देना, हर वक्त हर जगह पर कहीं पर भी कुछ चीज़ में उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, ये सच है। तो चाइना को किस तरीके से इस वक्त टैकल किया जाए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि 3 साल हो गए तब से लगातार विवाद बना हुआ है, कई मुद्दों सीमा संबंधी बातें हो चुकी है, कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, कई दौर की बातचीत, इंटरनेशनल लेवल पर भी विदेश मंत्रालय की बातचीत, लेकिन उसको आखिर उसको अरुणाचल प्रदेश में चाहिए क्या, लद्दाख में चाहिए क्या? नहीं, उनको चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी हमारे जो बॉर्डर हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुस्तान का हर चीज़ का नुकसान करो, हर हिंदुस्तानी आदमी को वो जो है दूसरे नज़र से देख के उनके साथ जो है कैसे भी गलत हरकतें करना, और आने वाले समय में उनका एक ही यम है कि कैसे भी छेड़ाखानी करके कि वार छिड़े, वार का मतलब है कि नुकसान करो, नुकसान करने के बाद वही है कि जो है कैसे भी खलबली मचाओ। और लास्ट में आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से जो अभी तक पहुँच चली आई सदियों पर पहले से, उस पहुँच को उसी प्रकार से चलने दें, और जो भी इनके हथियार की तब्दीली की जा रही है वो सही है, उसमें हमें बहुत खुशी है, बट जो इक्विपमेंट हथियार जो पहले से चले आए जो है वो होने चाहिए, वो रहना चाहिए, वो जवान होने चाहिए।